हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सम्राट केएमवी के। आज लाया मैं WWE का ऑल स्टार्स का छोटा सा रिव्यू। तो फ्रेंड्स, इसका गेम प्ले मैं जल्द से जल्द डालूंगा अपने चैनल में। और ये गेम है काफ़ी अच्छी ग्राफिक के साथ। WWE एक स्पोर्ट्स गेम एक तरह से, तो उसमें इंडियन कैरेक्टर भी है पुराने WWE के, यानी कि ग्रेट खली भी है इसमें, और भी बहुत सारे चैलेंजर्स भी हैं। तो इसके अलावा ये गेम है PS3 और PS2 में अवेलेबल है, तो अपने वेरी इजीली अपने PC में चला सकते हैं एमुलर के ज़रिए, जैसे मैं चला रहा हूँ प्लेइंग स्टेशन 2 के एमुलर से। इसका नाम है PCX2 और ये 1.2 वर्जन चला रहा हूँ मैं। आप चला सकते हैं कोई सा भी वर्ज़न, 1.4 या उससे ऊपर। और इसके अलावा ये PS3 की गेम है, तो PS3 में भी अवेलेबल है, और PS2 में, तो PS3 की गेम PS2 में एक तरह से कह सकते हो, मतलब ये दोनों में अवेलेबल है। तो इसमें दिखा रखा देखो चैलेंजर, और हालांकि मेरे को अभी ये गेम खेलना नहीं आता आगे, पर इसमें करेक्टर अनलॉक करने पड़ते हैं आपको, जब भी जाके आप इसमें तो ग्रेट खली खेल सकते हैं रेमस्ट्रियो के साथ। चलो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। और ये WWE की गेम है, तो जैसा कि है बहुत बढ़िया गेम है, और ये मतलब से ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, आप देख ही सकते हैं। ये एक्शन स्पोर्ट्स गेम है, और इसके अलावा इसमें काफ़ी कस्टमाइज करेक्टर भी आप देख सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं उन्हें थोड़ा बहुत, कस्टमाइज काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ये गेम काफ़ी अच्छी है, ये प्लेयर 1 vs 2 है, दोस्तों के साथ आप खेल सकते हैं। और मैंने सोचा कि मेरे चैनल में कुछ नया 3D गेम थोड़ा शुरू करा जाए गेम प्ले थोड़ा। अगर फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसमें लाइक और सब्सक्राइब्स आते हैं, सो गेम प्ले जल्द से जल्द डालूंगा। और ये छोटा सा रिव्यू है, और ये PS3 की गेम है, तो PS3 के मॉडल में भी चला सकते हैं, और PS2 में भी अवेलेबल है ये गेम, PS2 के मॉडल में वेरी इजीली चला सकते हैं। हालांकि इसमें सभी करेक्टर एक अलग तरीके से दिखते हैं, क्योंकि इनके ग्राफिक्स काफ़ी अलग है ना WWE के पिछले गेम्स के हिसाब से, कि इसकी पिछली गेम सीरीज और इस गेम सीरीज में काफ़ी अंतर है। हालांकि ये गेम काफ़ी अच्छी है, एक इसमें आप देख सकते हैं इनके मसल्स कैसे दिख रहे हैं अलग ही, और पिछले गेम्स में इसमें ग्राफिक्स अलग थे तो उसमें अलग है। हालांकि कह सकते हो एक एनिमेशन तरीका ग्राफिक्स है, इसमें काफ़ी तक एनिमेशन देख दिखता है, रियलिस्टिक नहीं लगता इतना। और इसके अलावा इसमें आप काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं, पर बैकग्राउंड काफ़ी रियलिस्टिक है चैलेंजर्स को छोड़ के। तो फैंसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, यह तक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू इसका WWE ऑल स्टार्स का। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हाँ, सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और उसमें वेरी इफेक्टिव मूव भी हैं, जो स्पेशल मूव आप उस कर सकते हैं वेरी इजीली। फिर मिलते हैं, बाय बाय टाटा, सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को।